मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज मिलाकर 7 करोड़ का आंकड़ा छू लेने पर सभी संबंधितों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि आज मध्य प्रदेश ने फिर एक नया इतिहास रचा है। वैक्सीन की दूसरी डोज भी अब 2 करोड़ लोगों को लग गई है। वैक्सीन की दोनों डोज मिलाकर अब तक 7 करोड़ डोज प्रदेश में लगाई जा चुकी हैं। सीएम ने कहा है कि ये प्रदेश की जागरूक जनता और सबके सहयोग से ही संभव हो सका है। आगे भी हम रिकॉर्ड 31 दिसंबर तक सबको वैक्सीन लगाने का हम लोग बनाएंगे। इस अवसर पर मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हमारे देश ने पहले वैक्सीन बनाई जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और फिर प्रधानमंत्री जी ने निःशुल्क मुफ्त में उसको उपलब्ध जनता के लिए कराया, और जितनी हमने वैक्सीन मांगी उतनी वैक्सीन हमको दी। मध्य प्रदेश ने एक इतिहास बनाया है। हमने आज इतने कम समय में 16 जनवरी 2021 में हमने टीकाकरण शुरू किया था, और इतने कम समय में इतनी कठिन परिस्थितियों में हमने, जिसमें कि हमारा कोविड की सेकेंड वेव भी आई थी, हमने 7 करोड़ डोज लगाने का एक कीर्तिमान रचा है, जो कि बहुत सारे स्टेट्स नहीं कर पाए। हम लोग अग्रणी स्टेट्स में हैं भारत में, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग को बधाई देने के लिए यहाँ NHM कार्यालय आकर हम सब लोगों को बधाई और साधुवाद की बात करी है, और साथ में यहाँ से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समस्त 52 जिलों के कलेक्टर्स और CMHO DIOs और सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को संबोधित करके उनको भी बधाई के संदेश दिया।